पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल केएल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सिविल फाइनल ईयर के साथ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में काफ़ी टॉपिक डिस्कस हो चुका है। आज प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत हम लोग सुनामी और ज्वार में डिफरेंस देख लेते हैं, और थोड़ा सा सुनामी तथा ज्वार में अंतर क्या होता है। पहला पॉइंट, सुनामी समुद्र तल में आए भूकंप अथवा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, सुनामी समुद्र तली में आए भूकंप अथवा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती, जबकि जबकि ज्वार चंद्रमा या सूर्य की गुरुत्वाकर्षण की एक्टिविटी के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, पहला अंतर समझ लीजिएगा, सुनामी समुद्र में आए भूकंप अथवा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होता है, जबकि ज्वार भाटा सूर्य अथवा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होता है सुनामी। दूसरा पॉइंट, सुनामी कभी कभी आती है, सुनामी कभी कभी आती है, जबकि ज्वार भाटा 24 घंटे में दो बार, यह नियमित दो बार आता है, यह एक नियमित प्रक्रिया है, यह नियमित प्रक्रिया है जो 24 घंटे में दो बार अवश्य घटित होती है। तीसरा पॉइंट, यह हजारों किलोमीटर दूर से उत्पन्न होता है, यह समुद्र के अंदर हजारों किलोमीटर दूर से उत्पन्न होता है और इसकी चाल जो होती है वायुयान से भी अधिक तेज होती है। ज्वार भाटा सभी समुद्री तलों में सामान्यतः उत्पन्न होने वाली घटना है। चौथा पॉइंट, इससे जान माल की अपार क्षति होती है, किससे, सुनामी से, लेकिन ज्वार भाटे से यह नॉर्मल घटना होती है, इसलिए इससे किसी तरीके की जान माल की क्षति की कम संभावना होती। ठीक है, आज डिस्कस करते हैं चक्रवात। चक्रवात क्या है, चक्रवात समझ लीजिए कि ये हवाओं का बहाव है। जब हवा चलना शुरू होती है तो अगर एक हवा का लय, एक स्पीड, एक लिमिट क्रॉस कर जाए और उससे तेज चलने लगे तो उस लिमिट को क्या कहते हैं, उसे चक्रवात नाम दिया जाता है। समझ लीजिए, जब हवाओं की गति 119 किलोमीटर से अधिक, किसी किसी बुक में कहीं कहीं लिखा है 121 किलोमीटर, तो जब हवाओं की गति 119 किलोमीटर अथवा 121 किलोमीटर से अधिक तेज़ी से बहने लगे तो उस रूप को हम क्या नाम देते हैं, चक्रवात। चक्रवात की सबसे बड़ी घटना है कि चक्रवात में हवाएं जो चलती हैं वो गोल सर्किल के अंदर चलती हैं, एक सीधी में नहीं, वेव में नहीं चलती, ये गोलाकार होते हुए चलती हैं और साथ में मूवमेंट करती हैं इस तरीके की। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, जब हवाओं की गति 119 किलोमीटर से अधिक, 119 अथवा 121 किलोमीटर से अधिक हो जाती हैं तो इसे चक्रवात कहते हैं। साइक्लोन शब्द, साइक्लोन शब्द साइक्लोप से लिया गया है, जो एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है एक दांत वाला दैत्य। ठीक है, चक्रवात का समय सामान्यतः 7 दिन लिया जाता है, लेकिन इसके लिए हम 21 दिन तक सारी तैयारियां रखे रहते हैं। सामान्यतः ये 7 दिन तक चलता है, चलने वाली घटना है, परंतु इसके लिए हम 21 दिन का पर्याप्त समय रखते हैं। जब किसी, दूसरी परिभाषा, जब किसी स्थल पर न्यूनतम बैरोमीटर दाब बन जाता है तब आसपास की हवाएं उस स्थल की परिधि में तेज़ी से, तब आसपास की हवाएं उस स्थल की परिधि पर तेज चक्री में घूमने लगती हैं, वृत्ताकार होकर घूमने लगी हैं, जिसे चक्रवात कहते हैं। ठीक है, चक्रवात में वायु का प्रचलन कैसा होता है ये देख लेते हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं, जब प्रचंड वायु, जब हवा की गति 56 से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो उसे प्रचंड वायु बोलते हैं। आधी किसे बोलते हैं, जब इसकी गति 72 से 121 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो उसे आधी कहते हैं। तूफान, जब यह 121 किलोमीटर से अधिक तेज़ी के साथ चले तो उसे तूफान बोलते हैं। चक्रवात, 121 किलोमीटर से अधिक की गति के साथ चक्री आकार में चले तो उसे हम चक्रवात कहते हैं। ठीक, चक्रवात की तीव्रता शक्ति सिम्पसन पैमाने पर आकी जाती है, इस पैमाने में 5 वर्ग बताए गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाढ़, भूस्खलन और इस तरीके की प्राकृतिक आपदाओं के बारे में कुछ ज़्यादा बताना नहीं है, आप लोगों को इसके बारे में पता है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मानव निर्मित आपदाएं, लास्ट चैप्टर चलेगा मानव निर्मित आपदाएं, मानव रहित आपदाएं। ये
इस तरीके से अर्थक्वेक लगभग समाप्ति को और सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। थोड़ा सा छोटा टॉपिक थे, इन पे ज़्यादा डिस्कस नहीं, ठीक, ये हो जाएगा आज के लिए। इतना ही, धन्यवाद।